हेलो स्टूडेंट्स, दया नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टेम्परेचर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेवल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। इक्वल कितने पे होगा? ए 73, बी 0, सी -40, डी +40। इसका आंसर होगा सी -40 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रेंज ऑफ ए बॉडी टेम्परेचर इन विच द बॉडी सेल वर्क एफिशेंसली। अपने सेल्स, जो बॉडी के सेल्स होते हो, कितने डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर सकते हैं नॉर्मली? ए 34 to 41 डिग्री सेल्सियस, 30 to 40, 0 to 100, डी 30 to 50। इसका आंसर होगा ए 94 to 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन द लिक्विड स्टेट एट ए रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर पर? ए मर्करी, बी सल्फर, सी सोडियम, डी कोल। इसका होगा ए मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल टेकिंग अ टेम्परेचर फॉर ए रेक्टल रूट इन अ चिल्ड्रन थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट। रेक्टल, अगर रेक्टल रूट से हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो कितना इंसर्ट करेंगे थर्मामीटर को? 0.5। ये किस में होता है? ये तो है इन्फेंट में। 1.5 इंच, ये किस में होता है? एडल्ट में। 1 इंच इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट 2 इंच। अब हमारा आंसर क्या होगा? बी 1 इंच। वाइल टेकिंग अ टेम्परेचर फ्रॉम अ रेक्टल रूट से हम टेम्परेचर ले रहे हैं, थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट 0.5 इंच या 1.25 सेंटीमीटर इन टू द इन्फेंट और 1 इंच इन चिल्ड्रन, 1.5 इंच इन एडल्ट। कीप द थर्मामीटर फॉर 5 मिनट इन टू द प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर शुड थर्मामीटर इंसर्टेड इनटू अ रेक्टम व्हाइल टेकिंग अ रेक्टल टेम्परेचर। थर्मामीटर की तरह इंसर्ट करते हैं रेक्टल टेम्परेचर लेते वक्त। ए 1/2 इंच, बी 1 इंच, सी 3/4 इंच, डी 1/2 इंच। इसका होगा डी 1/2 इंच। इसका अगर किसी में भी एडल्ट, चिल्ड्रन या इन्फेंट नहीं दे रखा हो तो हम उसे एडल्ट मान के आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी थर्मामीटर इन विच दी रिजल्ट आर सीन विद इन 45 सेकेंड में जो आंसर देता है वो क्या होता है? ए इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, बी क्लिनिकल थर्मामीटर, सी डिस्पोजल थर्मामीटर, डी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर होता है कितने में देता है? 2 सेकेंड में। डिस्पोजल 45 में। इलेक्ट्रॉनिक 60 सेकेंड में। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जैसे कि बल्ब का हो गया, उसमें लगभग 3 मिनट का टाइम होता है। तो इसका आंसर कितना होगा? सी डिस्पोजेबल थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर यूजिंग अ थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन्ड इन विच डायरेक्शन। थर्मामीटर यूज़ करने के बाद कौन सी डायरेक्शन में उसे साफ़ करना होता है? ए बल्ब टू स्टीम, बी स्टीम टू बल्ब, सी इन एनी डायरेक्शन, डी बाय लाइनर मूवमेंट। इसका होगा बी स्टेम टू बल्ब। जब आफ्टर यूजिंग क्या होता है? यूज़ करने के बाद स्टेम टू बल्ब, बिफोर यूजिंग बल्ब टू स्टेम। इट फॉलो, ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लेस टू मोर कंटामिनेटेड। लेस कंटामिनेटेड से हरदम मोर कंटामिनेटेड की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी दी यूज टू क्लीन द थर्मामीटर। थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ए बॉइल वाटर, बी चिल्ड वाटर, सी टैप वाटर, डी ऑयल वाटर। इसका होगा सी टैप वाटर। नेक्स्ट, सोप एंड दी टैप वाटर यूज टू क्लीन द थर्मामीटर एंड गुड डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? लाइक डिटोल होता है, सेवलोन होता है, लाइजोल होता है, यूज टू डिसइंफेक्टेंट ऑफ द थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल थर्मामीटर इंडिकेट द टेम्परेचर इन द डिग्री फ़ारेनहाइट।
क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें इंडिकेशन या इंडिकेट करता है टेम्परेचर, वो रेंज कितनी होती है, ए 94 to 108, बी 96 to 108, सी 94 to 110, डी 96 to 110। इसका होगा सी 94 to 110। दी ग्रेडिंग होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 110 तक होती है नॉर्मली, जो अपना थर्मामीटर में रीडिंग होती है वो। इसमें सेल्सियस में देखें 35 डिग्री सेल्सियस to 43.3 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर ए डिसइंफेक्टेंट थर्मामीटर, स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन, सेवलॉन की स्ट्रेंथ कितनी होती है, ए 1:20, बी 1:30, सी 1:40, डी 1:10। इसका होगा 1:20 सेवलॉन की होगी। नेम द डिस इन्फेक्टेंट कॉमनली यूज टू डिस इन्फेक्टेंट थर्मामीटर के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, डिटोल होता है, लाइजोल होता है, सेवलॉन होता है और फेरिनोल होता है। इसका जैसे कि सेवलॉन का होगा, सेवलॉन की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1:20, डिटोल की 1:40, लाइजोल की 1:40, फेरिनोल की 1:40। इनका टाइमिंग भी पूछ ले, सेवलॉन 5 मिनट, डिटोल 5 मिनट, लाइजोल 3 मिनट, फेनोल 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मामीटर यूज्ड इन अ कॉमन शुड बी वॉश्ड विद द सोप एंड वाटर एंड डिसइंफेक्टेड विद द स्ट्रेंथ, ए डिटोल 1:20, सेवलॉन 1:20, सी लाइजोल 1:20, डी फेरिनोल 1:20। इनका डिटोल का होता है 1:40, सेवलॉन, सेवलॉन इसका आंसर होगा, उसकी रेशो होगा 1:20। लाइजोल भी 1:40 होता है, फेरिनोल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा होता है, ए बाय रेक्टम, बाय माउथ, बाय एक्जिला और डी नन ऑफ देम। इसका होगा बाय रेक्टम, रिलायबल, मोस्ट रिलायबल मेथड क्या होता है, बाय रेक्टम। मोस्ट कॉमन, नेक्स्ट द रेक्टल मेथड ऑफ द टेकिंग टेम्परेचर इज मोस्ट रिलायबल बिकॉज रेक्टम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, आल्सो द थर्मामीटर नॉट एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एयर वाइल टेकिंग द टेम्परेचर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट रूट टू चेक द टेम्परेचर इन टू अ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में राइट रूट कौन सा होता है टेम्परेचर चेक करने का, ए ओरल मेथड, बी एक्सिलरी मेथड, सी रेक्टल मेथड, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका होगा बी एक्सिलरी मेथड, राइट रूट टू चेक द टेम्परेचर इन अ चिल्ड्रन इज एक्सिलरी मेथड। चिल्ड्रन अंडर द 6 ईयर होता है एज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है फॉर टेकिंग ओरल टेम्परेचर बिकॉज देयर इज अ चांस टू बाइट। रेक्टल मेथड शुड बी अवॉइडेड, क्यों अवॉइड किया जाता है, इन टू द चिल्ड्रन मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उसके रेक्टल मेथड से हम नहीं चेक करना चाहिए बिकॉज क्रॉनिक यूज ऑफ इट मे डैमेज द एनल स्पिंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ चाइल्ड अंडर द 4 ईयर ऑफ द एज शुड बी टेकन बाय, 4 ईयर एज है चिल्ड्रन की, चाइल्ड की, तो हमें टेम्परेचर कैसे लेना चाहिए, ए माउथ से, बी रेक्टम से, सी माउथ टू रेक्टम, डी एक्जिला। ये हमारा होगा आंसर डी एक्जिला। इफ़ द चिल्ड्रन इज यंगर देन 3 ईयर टेक द रेक्टल टेम्परेचर, गिव द बेस्ट रीडिंग बट इट कैन नॉट बी यूज टू फ्रीक्वेंटली बिकॉज क्रॉनिक यूज ऑफ इट मे डैमेज द स्पिंचर। विच रूट यूज टू आइडेंटिफाई द हाइपोथर्मिया इन द न्यूबॉर्न, न्यू बोर्न में हाइपोथर्मिया फाइंड आउट करने के लिए किस कैसे टेम्परेचर चेक करते हैं, ए ओरल, बी ओरल, सी रेक्टल, डी सरफेस प्रोब्स। इसका होगा सी रेक्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इज अ लोएस्ट व्हेन इट टेकन फ्रॉम, लोएस्ट किस में रिकॉर्ड किया जाता है टेम्परेचर,
ए रेक्टम, बी एक्जिला, सी माउथ, डी विजाइना। इसका होगा बी एक्जिला। द टेम्परेचर ऑफ रिकॉर्ड लोएस्ट बाय द एक्जिला, एक्जिला से लोएस्ट रिकॉर्ड किया जाता है टेम्परेचर, हाईएस्ट बाय द रेक्टम एंड मीडियम बाय द ओरल रूट। देर आर ए 2 डिग्री, ये डिग्री है, 2 डिग्री डिफरेंस, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफरेंस बिटवीन द एक्जिला एंड द रेक्टम। एक्जिला और रेक्टम में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 2 डिग्री का। ओरल टेम्परेचर इज़ आ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करें 0.5 डिग्री सेल्सियस, हायर टू एक्जिला एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टू रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड एक्जिला टेम्परेचर, ओरल और एक्जिला का कितना डिफरेंट होगा? अभी ऊपर देखा था, इसका होगा ए 1.6 डिग्री सेल्सियस, बी 3 डिग्री सेल्सियस, सी 1 डिग्री सेल्सियस, डी 0.6 डिग्री सेल्सियस। इसका होगा डी 0.6 डिग्री सेल्सियस, ओरल और एक्जिला। ओरल और एक्जिला कितना होता है? 0.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द रेक्टल एंड ओरल, रेक्टल एंड ओरल इज टेम्परेचर बाय दी, रेक्टल और ओरल टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होगा? अभी ऊपर भी देखा था, ए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरल टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 37 डिग्री सेल्सियस, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट से इसमें से ट्रू है? रेक्टम टेम्परेचर विल बी 36.5, नहीं 36.5 नहीं हो सकती क्योंकि रेक्टल टेम्परेचर ज़्यादा होता है ओरल टेम्परेचर से, तो ये गलत हो गया। एक्जिला टेम्परेचर इज 37, नहीं ये ओरल टेम्परेचर से कम होता है, ये भी गलत हो गया। रेक्टल टेम्परेचर विल बी 37.5 डिग्री सेल्सियस, यस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़र्क होता है रेक्टल और ओरल टेम्परेचर में। इसका आंसर होगा सी, रेक्टल टेम्परेचर विल बी 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू करेक्टली पालपेट द पेशेंट स्किन फॉर अ टेम्परेचर डिटर्मिनेशन, ए नर्स विल यूज़, नर्स कैसे यूज़ करेगी अपने हैंड को कि उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करने? ए बेस ऑफ द हैंड, बी फिंगर ऑफ द हैंड, सी डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड, डी पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड। इसका आंसर होगा सी डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी डोर्सल डोर्सल सरफेस ऑफ द डोर्सल या बैक सरफेस ऑफ द हैंड एंड फिंगर आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर बिकॉज इट कॉन्टेन्स मोर टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज चेकिंग अ रेक्टल टेम्परेचर विद अ मर्करी ग्लास थर्मामीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द नर्स इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है जब रेक्टल टेम्परेचर चेक करें? इंसर्ट थर्मामीटर थ्रू एनल स्फिंक्टर, ये ठीक है। रीड द थर्मामीटर एट आई लेवल, ये भी ठीक है। अप्लाई द मोस्ट वाटर सोल्युबल लुब्रिकेंट टू द थर्मामीटर बिफोर इंसर्टिंग, ठीक है। लीव द थर्मामीटर फॉर ए प्लेस 5 to 10 मिनट बिफोर द रीडिंग, ये अपना आंसर डी, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि इसमें पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। क्योंकि नॉर्मली जो थर्मामीटर हम रेक्टल में इंसर्ट करते हैं वो 5 मिनट होता है, ना कि 10 मिनट। थर्मामीटर शुड बी कीप्ड ऑफ द रेक्टम इन टू द 5 मिनट, नॉट फॉर 10 मिनट, एंड रीड द रिजल्ट ऑफ इमिडिएटली आफ्टर द रिमूविंग इट, ऑल अदर एक्शन आर ए करेक्ट वाइल टेकिंग टेम्परेचर बाय द रेक्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शुड नर्स वेट आफ्टर टेकिंग अ कोल्ड मिल्क और ए रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर, अगर किसी ने पेशेंट है उसने कोल्ड मिल्क ले रखा है तो टेम्परेचर कितनी देर बाद लेंगे? ए 5 to 10 मिनट, बी 10 to 20 मिनट, सी 20 to 30 मिनट, डी 30 to 40 मिनट। इसका होगा सी 20 to 30 मिनट। वेट फॉर अ 15 to 30 मिनट बिफोर मेजरिंग ओरल टेम्परेचर इफ द पेशेंट स्मोक्ड या च्युइंगम या इंसर्ट हॉट या कोल्ड लिक्विड और ए फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग फॉर ए इंसर्ट
दी स्टूडेंट वेट फॉर ए चेकिंग द ओरल टेम्परेचर इफ द क्लाइंट हैज जस्ट कंज्यूम्ड अ हॉट एंड कोल्ड स्मोक्ड। तो ए 5 मिनट, बी 10 मिनट, सी 20 मिनट, डी 30 मिनट। इसका होगा सी 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द प्रिकॉशंस आर ट्रू वाइल रिकॉर्डिंग द ओरल टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एक्सेप्ट। ए मेजर द, हमें एक्सेप्ट दे मेजर द टेम्परेचर शुड बी डन एट ए फिक्स टाइम ऑफ द डे। बी इट मेजर एट लीस्ट 3 मिनट आफ्टर कीपिंग द थर्मामीटर सबलिंगुअली। सी नोट टू रिकॉर्ड द पेशेंट हु हैव ए रिसेंटली स्मोक्ड। डी पेशेंट ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टॉप द ऑक्सीजन बिफोर रिकॉर्डिंग द ओरल टेम्परेचर। इसका होगा डी, इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें अगर ऑक्सीजन पर कोई पेशेंट है उसकी स्टॉप नहीं करनी है ऑक्सीजनेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑफ ए ओरल टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली वीक क्लाइंट हो, अनकॉन्शियस हो, डिलीरियम और ए मेंटली इल पर्सन हो, क्लाइंट विद कन्वर्जन चक्कर आते हो, चिल्ड्रन बिलो द 6 ईयर ऑफ द एज, क्लाइंट वो हैव ए इंजरी, इन्फ्लामेशन, ऑपरेशन ऑफ ए माउथ, क्लाइंट विद फ्रीक्वेंट कफ, क्लाइंट वो इज टेकिंग माउथ ब्रीथ लाइक ऑक्सीजन इनहेलेशन। इसमें हमें ओरली टेम्परेचर नहीं लेना है। ऑप्शन डी इज रॉन्ग बिकॉज दे इफ द पेशेंट इज ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन नेवर स्टॉप द ऑक्सीजन टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर वाइल अदर रूट शुड बी चूज टू टेक द टेम्परेचर इंसर्ट बाय द माउथ। ऑल अदर ऑप्शन आर ए करेक्ट फॉर टेकिंग द ओरल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the factor influencing heat production are, heat production कौन कौन से factor करते हैं, a oxidation of food, b anxiety and nervousness, c sympathetic stimulation और d use of narcotic drug। इसका आंसर होगा a b और c। oxidation खाना खाते टाइम heat produce होती है, yes। एंजाइटी या घबराहट के टाइम हीट प्रोड्यूस होती है। सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव होती है जब हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइपोथर्मिक न्यूनिट है, एयर लिफ्टेड किया गया है स्नो ग्लूमर्ग से एंड एडमिटेड टू द NICU। द अटेंडिंग नर्स इज आस्क्ड टू रिकॉर्ड अ कोर टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है by attending doctor while he is busy restraining another child, which area would be the most accurate of the core temperature। core temperature के लिए कौन सा, a axillary, b forehead skin, c oral temperature, d tympanic membrane। core temperature कौन सा होता है, core temperature होता है rectal और tympanic membrane is the कोर टेम्परेचर। इसका आंसर होगा डी, कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर कौन सा, मीन्स अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए डीप इंटरनल स्ट्रक्चर रेक्टल टिम्पेनिक टिम्पारोल और अपोज्ड पेरिफेरल पार्ट सच ऐसे माउथ और एक्जिला नहीं लेते। कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू अ फेरनाइट, 40 डिग्री सेल्सियस है उसे किस में कन्वर्ट करना है, फेरनाइट में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्सियस टू फेरनाइट का 32 प्लस फेरनाइट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आएगा सेल्सियस इनटू में 9/5। ये इसका फॉर्मूला होगा, करके देखते हैं। 32 प्लस 40 इंटू में इसका क्या होगा, 1/8। जैसे इसको को करके देखते हैं इसका आएगा 72। इसका आंसर होगा ए 104, इसका आंसर होगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 140 डिग्री फेरनहाइट देन इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस।
अगर फ़ारेनहाइट में अगर वो दे रखा है टेम्परेचर, हमें सेल्सियस में निकालना है, इसका क्या फॉर्मूला होगा? फ़ारेनहाइट सेल्सियस निकालना है। फ़ारेनहाइट दे रखा है सेल्सियस, लास्ट क्वेश्चन में सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट निकालना था, इसका सेल्सियस निकालना है। इसमें फ़ारेनहाइट मतलब कितना होगा, 140 माइनस करेंगे 32 इंटू 5/9, इसका क्या होगा, 140 माइनस 32 इंटू में 0.56, इसका जो आंसर होगा आप कैलकुलेट कर लेना। वैसे ही इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा, इसका होगा डी 60 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी टेम्परेचर इज आर 39 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर है कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है, इक्वलेंट टू द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन द नियरेस्ट डिग्री। मतलब कि इसमें क्या सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा, हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस दे रखा है, इसमें क्या फॉर्मूला होगा इसका, सेल्सियस इंटू 9/5 और प्लस में 32, इसका ये फॉर्मूला होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 102। टेम्परेचर ऑफ ए 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस इसका होगा। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना होगा इसका, इसका होगा डी 37.06 फ़ारेनहाइट। ऊपर जो आपको फॉर्मूला बताया उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ ए सेंटीग्रेड टू द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। सेंटीग्रेड टू द फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, यानी फ़ारेनहाइट निकालना है। फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू में सेल्सियस इंटू में 9/5 प्लस में 32, इसका आंसर होगा ए। वट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग द फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट अगर दे रखा है उसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या होगा, उसका होगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू में 5/9, यानी सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू में 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर इज ए डिफाइन एज ए टेम्परेचर ग्रेटर देन। फीवर कब माना जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर से ऊपर होने पर, ए 38, बी 35, सी 37, डी 36, इसका होगा ए 38 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइज अप टू 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, द कंडीशन इज नोन एज, यानी अगर बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें क्या होगा, बी हाइपर पायरेक्सिया। द बॉडी टेम्परेचर इज अबाउ 0.52 हाइपर पायरेक्सिया बिकॉज दी सी एन एस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर वायलेंस, सो इरिवर्सिबल चेंज मे ऑकर इन दी सी एन एस इफ द टेम्परेचर इज अबाउ 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इज ऑकर इन टू अ पायरेक्सिया, पायरेक्सिया चेंजेस ऑकर इन दी पायरेक्सिया, मतलब फीवर के दौरान क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, ए इंक्रीज द पल्स रेट, बी डिक्रीज द पल्स रेट, सी इंक्रीज बीपी और डी डिक्रीज्ड बीपी। इसमें क्या देखने को है? हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड
पल्स रेट एंड और इंक्रीज बीपी। ड्यूरिंग पायरेक्सिया पल्स रेट इज इंक्रीज्ड बट बीपी एंड कार्डिक आउटपुट में भी इंक्रीज ड्यू टू द ट्रैकिकार्डिया और डिक्रीज ड्यू टू द फ्लूड वॉल्यूम डिफेक्ट और डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट डेवलप्ड अ थर्मामीटर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.8 डिग्री सेल्सियस फॉलोइंग एंड द ओपन हार्ट सर्जरी। नर्स नोटिफाई द फिजिशियन बिकॉज द एलिवेटेड टेम्परेचर इंडिकेट ए एन इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट, बी सेरिब्रल एडिमा, सी ए फोर्टन ऑफ द हेमरेज, डी पॉसिबल डायफोरेसिस एंड चिल। इसमें नर्स क्या नोटिफाई करेगी, नर्स नोटिफाई करेगी जब अगर ओपन हार्ट सर्जरी एंड इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज आफ्टर द हार्ट सर्जरी कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज पल्स रेट कोज बाय द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होने के कारण कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो सकती है, इसलिए नर्स नोटिफाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द हाई टू द नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर इज कॉल्ड अ ए हाइपोथर्मिया, बी ट्रू क्राइसिस, सी लाइसिस, डी फॉल्स क्राइसिस। इसका क्या होगा, इसका होगा बी ट्रू क्राइसिस। ए सडन डिक्रीज ऑफ ए हाई टेम्परेचर और ए नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर अलोंग विद द फॉल ऑफ ए पल्स रेट इम्प्रूवमेंट पेशेंट कंडीशन इज कॉल्ड अ ट्रू क्राइसिस। विदाउट फॉल पल्स रेट इम्प्रूवमेंट ऑफ ए पेशेंट जनरली इज कॉल्ड अ फॉल क्राइसिस। द ग्रेजुअल डिक्लाइन और ए फीवर हाई टेम्परेचर और ए डिजीज कॉल्ड अ लाइसिस अपोजिट टू ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ ए फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लैक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस फ्लैक्चुएट कर रहा है ऑल अबाउट द नॉर्मल ड्यूरिंग द 24 आवर, उसका क्या होगा, ए इंटरमिटेंट फीवर, बी रेमिनेंट फीवर, सी रिकरेंट फीवर, डी रिप्लेसिंग फीवर। इसका होगा बी रेमिनेंट फीवर। ए पेशेंट ए पैटर्न है वो फीवर डेट वेरीज मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस ओवर 24 आवर पीरियड बट डज नॉट रिटर्न टू द नॉर्मल इज कॉल्ड अ रेमिनेंट फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम हैज़ ए फीवर विद 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, इट राइज अराउंड 103 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड कम डाउन टू द 100 डिग्री फ़ारेनहाइट सेवरल टाइम अ डे। टिपिकली पैटर्न होगा, व्हाट काइंड ऑफ द फीवर इज राम हैविंग, किस टाइप का फीवर, ए रेमिनेंट फीवर, बी रिप्लेसिंग फीवर, सी इंटरमिनेंट फीवर, डी कॉन्स्टेंट फीवर। इसका क्या होगा, इसका होगा ए रेमिनेंट फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज कोल्ड अ फास्टिज्म इन टू अ पेशेंट विद अ फीवर, ए इनिशियली स्टेज ऑफ फीवर, बी मैक्सिमम एंड द कॉन्स्टेबल टेम्परेचर, सी टेम्परेचर स्लोली बिकम नॉर्मल, डी टेम्परेचर फॉल्सली बिकम नॉर्मल। इसका होगा बी मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेबल टेम्परेचर। फास्टिज्म एंड स्ट्रिडम इज द हाइएस्ट पॉइंट वेयर द फुलेस्ट पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट पायरोजेनेसिक इन्फेक्शन डिजीज व्हेन द टेम्परेचर रीच टू द मैक्सिमम एंड रिमेन कॉन्स्टेंट एट हाई लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर विद अ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन, कैसा फीवर देखने को मिलता है रिलेटेड टू ब्रेडिकार्डिया में, ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी फलेरिया, डी डिप्थीरिया। इसका होगा बी टाइफाइड। रिलेटेड ब्रेडिकार्डिया मीन्स द हार्ट रेट डेट इज टू स्लो फॉर अ पर्सन इमिडिएटली, साइकोलॉजिकल नीड ऑल्टोट मे बी मोर देन 60 बीट पर मिनट, इट विल बी सीन इन द टाइफॉइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, All of the following are the nurse intervention for a patient with a high fever except A. Give a cold sponging bath, B. Check vital signs, C. Administer medication as prescribed, D. Restrict food fluid intake, except पूछ रखा है।
तो इसका होगा डी रिस्ट्रिक्ट फ्लूड इनटेक। नर्सिंग केयर ऑफ इंटरवेंशन ड्यूरिंग द फीवर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय गिविंग द कोल्ड स्पंजिंग या कोल्ड अप्लीकेशन सेटिस्फाइड न्यूट्रिशन नीड ऑफ ए इंक्रीज फ्लूड इनटेक अप टू द 3000 ml पर डे। प्रोवाइड एडुकेट रेस्ट एंड स्लीप। मेंटेन पर्सनल हाइजीन। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन इंक्लूड वाइटल साइन एंड प्रोवाइड ऑल दी सेफ्टी प्रिकॉशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिकॉशन इन द केयर ऑफ अ पेशेंट विद द हाई फीवर एक्सेप्ट। नेवर लीव अ पेशेंट विद द हाई फीवर अलोन। बी राइगर विद कन्वर्जन मे ओकर एट एनी टाइम। सी एडमिनिस्टर द एनाफिलेटिक ड्रग। The tepid sponging is not usually patient not responding to the antipyretic। इसका होगा एक्सेप्ट हो चुका है डी tepid cold sponging is not useful। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। प्रिकॉशन यूज टू ड्यूरिंग हाई फीवर आर नॉट लीव द पेशेंट अलोन बिकॉज राइगर एंड कन्वर्जन मे बी ओकर एट एनी टाइम। गिव कोल्ड स्पंजिंग If patient is not responding the antipyretic, maintain the normal body temperature, use safety measures। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।